हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं अपनी सीरीज है व्हाट टू डू आफ्टर सब डोमेन एन्यूमरेशन, उसके फिफ्थ पार्ट में। तो पिछली वीडियोस में हमने और वे बैक यूआरएल से वे बैक डाटा के बारे में देखा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग, हमारा सब डोमेन होगा कि हमारा सब डोमेन था, इस सब डोमेन के ऊपर सब डोमेन स्क्रैपिंग, मतलब कि दो स्पाइडर से यूआरएल्स देखेंगे, मतलब इसको क्रॉल करेंगे, इस सब डोमेन को, इसकी सब डोमेन क्रॉलिंग करेंगे। तो मैं, आप इसके यूसेज देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे अभी। हम क्या करेंगे, गो स्पाइडर डैश एस, ये हमारी वेबसाइट है। अभी हम एक काम, हम इसको सेव कर देते हैं फाइल में। तो हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं अपना कोड रन। और यहाँ पे भी हम फिर से इसमें हम क्या करेंगे, गांव का जो हमने वो किया था पिछली बार, URLs एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी वो है URLs, इसको सेव नहीं किया है, तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। URL 1, यहाँ पे ये हमारे पास URLs 1 आ गई है। मैं इनको एक बार थोड़ा सा सॉर्ट कर दे, तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे एक मेल है, हम इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पे ये चल रहा है, तो मैं वे बैक URLs भी कर देता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, बैक URLs, ताकि इसी में ही हमारी जो ये है वो सेव हो जाए। और अभी एक बार क्या करते हैं, जाने देते हैं, यहाँ पे बर्प ओपन कर लेते हैं। हम लोग टेम्परेरी प्रोजेक्ट में ही करेंगे, एक बार इसको हो जाने देते हैं। तो हम हट, URL 1, एक सेकेंड, ठीक है, ये भी हो गया है। तो एक बार देख लेते हैं कितने हैं URLs में, 10,000 है। और अभी क्या करते हैं, डैट यू इसको तो भी इसमें डाल दिया है। अब हम रिमूव कर देते हैं URL 1 को। अभी हमारे पास URLs, अभी हम क्या करेंगे, URLs को यहां से URLs को हम यहाँ से उठाएंगे। और
हमारा है फायरफॉक्स, पर अब इंटरसेप्ट हम ऑफ कर देगा। यहाँ पे एक ये आता है ओपन लिस्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो यूआरएल्स है पेस्ट कर, ये ओपन हो गई है, तो हम हटा देते हैं। टारगेट में हमारा होगा ये रहा, इसको हम ऐड टू स्कोप कर देते हैं। फिर उसके बाद शो ओनली इन टॉप आइटम्स, अगर आप ये ना चाहें तो आप एक और तरीके से कर सकते हैं, यूज एडवांस स्कोप, और यहाँ पे जैसे कि web.com। तो अभी ये क्या करेगा, जो वर्ल्ड वेब के जो आगे के जितने भी मतलब सब डोमेन्स हैं उनको भी वो कर लेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे URLs है, क्या है तो मैं एक बार एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब इसके बाद के जो सब डोमेन्स है उनको हम उठाते हैं, मतलब जो हमारी URLs है उसको हम उठाते हैं, फिर से इसमें डालते हैं पेस्ट ओपन। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं जितनी भी वो है वो सारी की सारी के अंदर स्टोर हो रही है। तो हम इनको एक बार पहले करते हैं, जितने भी इसमें लिंक्स है URLs है सारी की सारी ओपन, ताकि आप लोग देख सकते ये है। ये कुछ और भी आ गया है जो कि हमने मेरे हिसाब से नहीं देखा था पहले। तो अभी एक बार हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे हटा दिया। अभी हम लोग अगर इसको पहले क्रॉल करते तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता चलती। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ स्कैन करके क्रॉल कर देंगे, जैसे नेवर स्टॉप ड्यूटी ओके कर सकते हैं। अभी ये तो क्रॉल करेगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पहले से ही हैं, और उन सब पे जा जाके उन पे क्रॉल करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्टरी लिस्टिंग आपको पहले ही वो मिल, तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। स्क्रॉलिंग यहाँ पे चल रही है, तो ये हमारे लिए बहुत सही है। तो ये हमने इतनी URLs देखी थी, हमने अभी कुछ ही यहाँ पे वो किया 183, तो सोचो कितनी सारी हमारे पास होंगी, और वो हम फिर यहाँ पे डाल सकते हैं, और फिर उनके बाद हम उन पे टेस्ट रन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा डाटा हो जाएगा, हम जितना चाहे उतना टेस्ट इन पे रन कर सकते हैं। एडमिन है ये, पे हम लोग देख सकते हैं, आर्टिस्ट है पे हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत काम का होगा,
हम मतलब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं ये क्रॉलिंग हो रही है। और लॉगर में चला जाता हूँ, यहाँ पे स्कोप आइटम्स, हाँ ये रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही और मतलब वो चल रहा है ठीक है। इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, चार रिक्वेस्ट डाली है और दो क्रॉल हुआ है, बट इनसे बहुत ज़्यादा फायदा है। फिर हम इस कैंस चला सकते हैं अलग अलग टाइप के, और जैसे कि हमारे पास ये यूआरएल्स है, सेकेंड तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैट यूआरएल्स और न्यूक्लियाई मान लो हमने यहाँ पे चला दिए, इन यूआरएल्स के ऊपर हमारा न्यूक्लियाई चल रहा है। तो देखते हैं हमें न्यूक्लियाई कुछ देता है कि नहीं, मतलब देगा वो तो हमें पता ही है, बट बहुत वो है कि हाँ उन यूआरएल्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल, गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड, मतलब न्यूक्लियाई सिर्फ वल्नरेबिलिटीज के लिए नहीं, ये इससे हम लोग वो भी निकाल सकते हैं अपनी रिकॉन में भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें निकाल के देगा। ये रन कर रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें ये फाइंड करके देगा। गूगल साइट वेरिफिकेशन बहुत सारे इसने दिए, सब है सारे सेम सेम ही होंगे, साइट वेरिफिकेशन इन्हीं से हो रही है। ये इन्फो इन्फो वो कर रहा है, और आगे देखते हैं। आप अलग अलग टाइप के इन पे स्कैन्स चला सकते हैं, पे फजिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे ये है, में हमने आ थर्ड पोस्ट, अभी तो गेट ही है, हम लोग उस वेबसाइट पे काम करते रहेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट मेथड्स, उन पे हम लोग अपने टेस्ट रन करेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो एक ये भी मेथड है जिस मतलब सब डोमेन एन्यूमरेशन के बाद जो आपको करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।